अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे और इंजॉय करेंगे विंटर को। वी आर आल्सो इंजॉइंग। और आज मैं अपने छोटे छोटे व्यूअर्स के लिए, जो हमारे प्यारे से बच्चे हैं, उनके लिए बड़ी अमेजिंग रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन टेंडर पॉप्स पिज़्ज़ा KFC स्टाइल। ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़े भी पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे आपको पता यू नो कि फैन है KFC के। तो आज मैं अपने छोटे से क्यूट किड्स, सब बच्चों के लिए, बच्चा पार्टी के लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी पिज़्ज़ा की लेकर आई हूँ। लेट्स हैव अ लुक। ये चिकन टेंडर पिज़्ज़ा के लिए मैंने ऑलमोस्ट 700 ग्राम बोनलेस लिया और उसको बहुत छोटे छोटे स्क्वायर्स में मैंने कट कर लिया। सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून वाइट पेपर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली और 1 टीस्पून ही जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट। और इसमें हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे ऑयस्टर सॉस। सोया सॉस नहीं, ऑयस्टर सॉस। इट्स अप टू यू, अगर सोया सॉस भी अवेलेबल है तो यू कैन डू, बट मैं थोड़े से डिफरेंट टेस्ट के लिए सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ, ऑयस्टर सॉस। थोड़ा सा सिरका, विनेगर, ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून विनेगर। और साथ डो की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, फिर भी मैं अपनी रेसिपी में मेंशन कर दूंगी। और थोड़ा सा मैं स्प्रे कर रही हूँ ऑयल का। डो की जो रेसिपी है मैं ऑलरेडी आप लोगों को सबको बता चुकी हूँ। ये बड़ा एक्साइटेड और बड़ा यम्मी सा पिज़्ज़ा है और इसको लिए सब बच्चे बहुत पसंद करेंगे। मैंने जब बनाया तो बहुत मज़ा आया, फिर मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ, और सबसे पहले जो छोटे छोटे क्यूट से किड्स हैं उनके लिए, उनके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी अपने बच्चों को बनाकर ये दें। पिज़्ज़ा जो है डिफरेंट फ्लेवर्स में खाया जाता है, बट बनाया जाता है, बट ये जो KFC स्टाइल पिज़्ज़ा है ये इंशाल्लाह सब लोग, चाहे बड़े हों छोटे हों, सबको पसंद आएगा। ये देखें, ये मैरिनेशन है, इसका प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है और विदिन ½ एन आवर के बाद हम स्टार्ट करेंगे इसको बनाना, मैरिनेशन। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। और आज जैसे कि मैं आपको बड़ी डिफरेंट रेसिपी चिकन टेंडर पॉप्स पिज़्ज़ा KFC स्टाइल, और ये स्पेशल फॉर किड्स है। आज हमारे घर बड़े प्यारे छोटे छोटे गेस्ट आए हुए हैं। व्हाट्स योर नेम? सानिया। सानिया, या ये बच्चे KFC के, क्योंकि मैंने अगर KFC बच्चों के लिए बनाया है तो मैंने अपनी प्यारी प्यारी बेटियों को बुलाया है, और ये बहुत प्यारी मेरी फ्रेंड्स की बेटियाँ हैं, फामिया एंड सामिया। व्हाट्स योर नेम? फॉर फामिया। फामिया, वाओ, ओके। अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये मैरिनेशन मैंने आपको कर दी है। अब नेक्स्ट हमने प्रोसेस क्या करना है कि ये 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है और 1 टीस्पून ही जिंजर पाउडर है, और ये थोड़ा सा ओरिगैनो, और 1 टीस्पून रेड चिली है, और लिटिल बिट, ½ टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ऑयल हमने ऑलरेडी पैन में रख दिया है, इसको हम मीडियम फ्लेम पे गर्म करेंगे। और इसमें ट्विस्ट है क्योंकि KFC स्टाइल टेंडर पॉप्स बन रहे हैं, तो देखें इसकी कोडिंग कैसी होती है। ये ज़रा डिफरेंट कोडिंग होगी, इसमें कोई हम ब्रेड फ्लेक्स नहीं लगाएंगे। ये देखें, सबसे पहले हम अच्छे से कोडिंग करेंगे, इतना कोडिंग की हमने। और उसके बाद पहले हम 2-3 पीसेस कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ताकि हम हमारी कोडिंग में टाइम ना लगे ये। और इसको हम चिल्ड वाटर में, देखिए मैंने इसमें क्यूब्स डाली हुई है, अगर आपके पास वैसे चिल्ड वाटर है तो उसमें आप पेस्ट कर लीजिएगा। दिस वन ऐसे करके हम इसमें डाल रहे हैं चिल्ड वाटर में। सामिया इज हेल्पिंग। Sami, what are you doing? I'm sprinkling it. Oh, can you imagine? This small girl is making tea for her mom, है ना? Oh wow, that's super amazing. Look, she is helping me. मैंने ठंडे पानी से जो चिल्ड वाटर था उसे निकाल के दोबारा कोटिंग कर ली। इससे क्या होता है, स्टिफनेस ज़्यादा आती है, अच्छा क्रिस्पी टेस्ट आता है। एक दफ़ा ज़रूर कोट करें। इट्स अप टू यू कि आपने कितना कोट करना है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा ठंडे पानी में कोट किया। अब मैं सेम वही क्राइटेरिया अडॉप्ट करूँगी। एग में अपने डाल रही हूँ टेंडर पॉप्स। यू मस्ट ट्राई। बच्चे इस वक्त देख लेंगे। मेरे यहाँ पे जो छोटे छोटे गेस्ट आए हैं वो तो बहुत एक्साइटेड है KFC पिज़्ज़ा खाने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड। या यू आर एक्साइटेड? यस। ओह सामिया इज सो एक्साइटेड। आई लव कुकिंग। ओह शी लव्स कुकिंग। और ये भी इंशाल्लाह ना एक न्यू छोटा सा बच्चों का ना किचन खोल लेगी, क्यों सामिया? यस आई विल सून। She will soon, and please इसके चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। I have no channel. Oh, she have. You no channel. Okay. When जब ये बड़ी होगी ना तो ये कह रही है कि मैंने अपना चैनल खोलना है, फिर आप इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। Yes. अब ये देखिए कोडिंग हो गई है और इसको हमने डीप फ्राई करना है, नॉट अ शैलो फ्राई। और इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है। या जी व्यूअर्स, ये हमारे हो गए हैं पिज्जा के लिए, चिकन टेंडर पॉप्स के लिए यम्मी से पॉप्स रेडी हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है कि ये जो डो है इसको हमने कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी आ गई है और इसको अब हम असेंबल करते हैं। इसको क्योंकि मैंने ज़्यादा डो बनाई है, मुझे 2 पिज़्ज़ा चाहिए। मेरे घर में बहुत अच्छे प्यारे प्यारे गेस्ट आए हुए हैं तो हम आज 2 पिज़्ज़ास बना रहे हैं। तो उसके लिए मैं इसको पीसीस में करती हूँ, हाफ पीस में करती हूँ। मैंने तकरीबन ये 4 कप लिए हैं मैदा के। मैं आपको साथ साथ, क्योंकि डो तो ऑलरेडी मैंने आपको बनाना सिखा दी हुई है, तो साथ साथ मैं आपको अपनी रेसिपी के नीचे फिर भी डो की रेसिपी शेयर कर दूँगी। इसको मैं हाफ कर रही हूँ। पहले मैं हाफ का आपको बताऊंगी असेंबलिंग, देन वी विल डू नेक्स्ट। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने सेट की है। इट्स अप टू यू कि आप किस शेप में रख रहे हैं। मैं आज स्क्वायर शेप में दे रही हूँ और इसके साथ मैं इसके जो किनारे हैं उनके अंदर एक ज़बरदस्ती फिलिंग करूँगी। ये देखें मैंने रोल्स बनाए हुए हैं। ये हैं मोजरीला, इसमें आलमोस्ट मैंने 3 से 4 टेबल स्पून, और जो चैडर है वो मैंने 8 से 10 टेबल स्पून डाले हैं, और 1 टेबल स्पून मैंने डाला है बटर का, और इसके अंदर ओरिगेनो डाल के और थोड़ा सा जिंजर पाउडर और डाल के रोल्स बना दिया। इसका जो ट्विस्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त है। आपको सेम पिज़्ज़ा हट जैसा ट्विस्ट मिलेगा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैं फैला रही हूँ। और प्लीज़ बी केयरफुल कि आपके पिज़्ज़ा की जो प्लेटिंग है वो बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें मैं प्लेटिंग करने लगी हूँ। ये देखें ये जो है, ये जो मैंने पाइप शेप की डोज बनाई हैं इसको मैं ऐसे प्रेस कर रही हूँ। देखें साइड पे ये इस तरह मैं प्रेसिंग कर रही हूँ। और साथ ये देखें थोड़ा सा मैंने ज़्यादा यहाँ से किया है, इसको मैंने इन किनारों में लेके आना है। ये देखिए मैं आपको पहले एक मॉडल बना के दिखा देती हूँ, फिर उस स्टेप से आपने दूसरे करने हैं। ये देखें इसको आपने ऐसे प्रेस करना है, दिस वन। ये देखें जैसे हम रोल की शेप करते हैं इस तरह हमने, बड़ा सिंपल से क्रस्टी से पिज़्ज़ा बनेगा। दिस वन इस तरह हमने रोल करना है। सेम मैं ऐसे ही इसके साथ कर रही हूँ। बहुत सिंपल स्टेप है। वैसे हमें जब हम जाएं पिज़्ज़ा हट तो हम बड़ा पहले हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है, किस तरह किनारों से सॉफ्ट क्रस्ट बन रहे हैं। तो ये देखें सिंपल, इट्स नॉट अ बिग डील, वी कैन डू एट होम। और सारी मॉमीज और अपने किड्स के लिए ज़रूर बनाएं। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो उम्मे रैयान किचन को लाइक करें। और आपका बहुत बहुत थैंकफुल के बहुत थोड़े टाइम में, पीरियड ऑफ टाइम में आपने इतना, आपका लव है कि इतना अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है। और दुआओं में याद रखें। अब हमने देखिए इसका कितना प्यारा सा आगे किनारे बन गए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी सी पक जाए। और मैंने ओवन को ऑलरेडी 180 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए रख दिया है। और ये मैंने ऑलरेडी आपको पिज़्ज़ा सॉस सिखाई हुई है, ये मैं अपने घर फ्रिज में प्रिजर्व करती हूँ। तो इट्स अप टू यू कि आप टोमेटो सॉस यूज करें, इट्स अप टू ये आपकी अपनी चॉइस है। ये ऐसे आपने पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। सबसे पहले ये, आई होप के बच्चे जरूर देखेंगे। सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार, और मेरे खुद मेरे बेटे को बहुत पसंद है KFC स्टाइल। KFC तो दीवाना KFC का है। और थोड़ा सा हम स्प्रिंकल करेंगे इसमें चेडर चीज, के बाद हम थोड़ा सा बहुत ज्यादा मोजरेला नहीं अभी हम यूज करेंगे, वो हम एंड पे करेंगे। थोड़ी सी मोजरेला की कोटिंग करेंगे। तो अब हमारी आ गई है ये KFC के टेंडर पॉप्स को कोटिंग करने की। इसको हम ये जो KFC स्टाइल में टेंडर पॉप्स हैं इसको हम इधर कोट करेंगे। और थोड़ी सी साथ साथ चीज भी श्रेड करेंगे ताकि ये पेस्ट हो, क्योंकि ये हैवी है, इनकी कोटिंग से ज्यादा इनकी आप बाजार में जाएंगे तो इस घर में इकोनॉमिकल चीज बनती है, बाजार में जाए तो आपको कभी इतने टेंडर पॉप्स मिलेंगे भी नहीं KFC के। घर में तो हम अपनी क्वांटिटी और अपने हिसाब से और इकोनॉमिकल पिज्जा बनता है और मजा आता है कि अपने हाथ से बनाया है। इसलिए मैंने कहा आज अपनी मम्स के साथ KFC स्टाइल टेंडर पॉप पिज्जा शेयर करूं ताकि बाजार जाने की जरूरत ही ना पड़े। और साथ ही हम इसमें मोजरेला एंड पे करेंगे, थोड़ी सी एंटर मोजरेला के कोडिंग। सामिया, ये सामिया मेरी आज हेल्पर है। ये मेरी बेटी जो है आज KFC के लिए आई हुई है, क्योंकि सब बच्चों को एक्साइटमेंट होती है। मैंने कहा चलो मैं सामिया को आज इन्वाइट करती हूँ ताकि ये मेरी हेल्प करेगी। और शी इज सो हेल्पफुल और क्यूट गर्ल। ये मैंने मायोनीज है, या मायोनीज को थोड़ा थोड़ा मैं स्प्रिंकल करूंगी। इसमें मैंने थोड़ी सी चिली सॉस नैंडोस की डाली है। इट्स अप टू यू, अगर नैंडोस सॉस नहीं है तो आप जस्ट गार्लिक और चिली सॉस डाल सकते हैं। ये थोड़ी सी टॉपिंग कर रही हूँ मैं सॉस की। उसके ऊपर थोड़ा सा फिर दोबारा मैं ये चीज़ी पॉप्स डाल रही हूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अगेन वी विल स्प्रिंकल। एंड ये थोड़ी सी वेजीज हैं, ये हम स्प्रिंकल करेंगे। थोड़े से ऑलिव्स हैं हमारे, ये कलरफुल मैंने लिए हैं। शिमला मिर्च, अगर क्योंकि कलरफुल बनेगा हमारा पिज़्ज़ा। देखिए कितना अच्छा अभी से कलरफुल लग रहा है पिज़्ज़ा। ओवन मैंने ऑलरेडी प्री हीट पे रखा हुआ है। मैंने आपको विदाउट ओवन भी सिखाया हुआ है पिज़्ज़ा कि आप प्री हीट कर लें किसी भी बर्तन को और उसमें छन्नी रख के तो आप तकरीबन आधे घंटे के लिए प्री हीट करने के बाद उसको सेम इसी तरह कोटिंग में आप रख सकते हैं चूल्हे के ऊपर लाइट फ्लेम पे, और आपका विदाउट ओवन भी पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। और थोड़ा सा ओरिगेनो हम स्प्रिंकल करेंगे इस पर। हमारा ओवन पूरे तरीके से प्री हीट हो गया है। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ तो होममेड चाट मसाला एज यूजुअल मेरे घर में होता है। थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल करूंगी होममेड चाट मसाला। बच्चों के लिए चाट मसाला नहीं डालूंगी। ये पहले एक पिज्जा है, इंशाल्लाह ये ट्राई करते हैं। अच्छा बंद कर दें फिर आप मेरे। ये देखें प्री हीट हमने ओवन कर दिया था। अब ये मैं अपने डिश को रख रही हूँ। और ये देखें मैंने ये ग्रिलिंग पे रखा है। पिज़्ज़ा हम हमेशा इस पे रखते हैं। ये ग्रिलिंग बेकिंग के लिए हम ये यूज़ करते हैं 30 मिनट्स और 180 पे मैंने रखा है। जिनके पास इलेक्ट्रिक ओवन है और जिनके पास गैस का ओवन है सेम यही कैपेसिटी होती है 30 मिनट्स फॉर 180 डिग्री और ग्रिलिंग पे। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन टेंडर पॉप्स पिज़्ज़ा KFC स्टाइल हमारा रेडी है। और ये देखें कितनी अच्छा लुक आई है। यू मस्ट ट्राई और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और सामिया इज़ रेडी टू ईट। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। हैप्पी यू एंड आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड टू टेस्ट दिस यम्मी पिज़्ज़ा। In the starting of the video I was like I really want to make this pizza very fast. Oh, that's nice. तो देखें सब बच्चों की यही ओपिनियन है। So Samia, what you say? All kids must try this. Oh, that's nice. Okay, stay blessed. Allah Hafiz from Umme Ryaan Kitchen. दुआओं में याद रखें।